जी अम्मा, जरा भाई को फोन तो मिला, 9 बज गए, वो आने का नाम नहीं ले रहा, पता नहीं कब आएगा, मेरा दिल घबरा रहा है। क्यों परेशान हो रही है, आ जाएगा। तू मिला ना नंबर, मेरे फोन पे सिंगल नहीं आ रहे, तेरे पैसे लगने, व्हाट्सएप पे कॉल कर। चल मिला तो। एक सेकंड होल्ड कर, कैसे भूल गया यार मैं। मुदस्सिर, मैं तुझे कॉल बैक करता हूँ यार, घर से कॉल आ रही है। हेलो, हाँ तब्रेज, कहाँ हो यार? वो अम्मा बड़ी परेशान हो रही है, घर कब आओगे? उर्फी अम्मी को फोन देना। अच्छा ये लो। क्या हुआ है? हेलो, हाँ कहाँ है तू पुत्र? मैं परेशान हूँ इतनी ज्यादा, आना नहीं है तूने? अम्मी वो मैं आपको बताना भूल गया था, लेकिन मैं नहीं आ रहा हूँ। जाके जरा जुई को बुला, उसको कहो कि अम्मा बुला रही है, जा। अच्छा फिर? हाँ बता। अम्मी मैंने आना था, तैयारी भी थी मेरी, लेकिन सुम्बुल के फादर ने इतनी बड़ी पार्टी थ्रो की आज, और आपको पता उस पार्टी का मकसद यही था, अपने लेवल के, अपने जो सोशल सर्कल, मतलब जितने भी बड़े लोग हैं ना, उनसे मुझे मिलवाना। तो मिले, तुझे पसंद आया तू उनको? अम्मी मेरे पास तो इनके लेवल के पहनने के कपड़े तक नहीं थे, वो तो भला हो सुम्बुल का, उसी ने मुझे शॉपिंग करवाई, और आज जो कपड़े मैंने पहने ना, ये भी सुम्बुल ने ही सेलेक्ट किए मेरे लिए। क्या बताऊं अम्मी, इतना पैसा है ना इन लोगों के पास, शहर के सारे बड़े लोग आए हुए थे, सबसे मिला मैं, और यकीन कीजिए आज आपका बेटा भी किसी बड़ी मिल के ओनर से कम नहीं लग रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अम्मी, हो सकता है शायद मैं कुछ दिन और ना हूं। चल बेटा जैसे तेरी मर्जी, बस इस बाप बेटी को खुश रखना है तूने, सेट रखना है इनको, ठीक है ना? आने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, बाय, लाफिस। हाँ मन कर दी, चल असल्ला खैर करे, खुश रहे।